नशियों हम नशी झूले मेरे दिल की जमीन। इस दिले मगरूर का अब हम सफर कोई नहीं। यहाँ क्या कर रहे हो? देखो बादलों में कैसी गरज चमक हो रही है। बस गरज चमक ही रहे हैं, बरस नहीं रहे। क्या मतलब? रात की सहर में भी अजीब सी खुनकी है ना, कभी महसूस किया आपने? क्या बात है आते? मैं देख रही हूँ चंद दिनों से कुछ बुझे बुझे हो। किसी ने कुछ कह दिया क्या? एक बात बताएंगे मामा? कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी चीज ने आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया, आपके हवासों पे छा जाए, उसे छुटकारा कैसे पाया जाता? क्या बात है आदि, कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें इस वक्त इतना परेशान कर रही है? मुझसे शेयर तो करो। मेरे एक एग्जाम्स की बात कर, इतनी मिसमैनेजमेंट है ना, अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ। आप क्या समझी? ये बड़े हो गए, मजाक करने की आदत नहीं गई तुम्हें। कहाँ बड़ा हूँ, छोटा सा था। शरियान तुम्हें नहीं पता है? क्या? सेकेंड टेस्ट की तैयारी शुरू कर दो। व्हाट? यानी कि फर्स्ट टेस्ट क्लियर? यस। शरियार ने अनाउंस नहीं किया क्योंकि तुम्हें पता है ना, कॉलीग्स के बच्चों ने भी एग्जाम दिए थे। जेलसी हो जाती है, बेटर दिस वे। उफ, आई वाज सो स्ट्रेस्ड मामा। जितना सुकून आपके पास आकर मिलता है ना, दुनिया में कहीं नहीं मिलता। अच्छा मोरे, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर आप भी बाकी दुनिया जैसी होती तो मेरा क्या होता। मेरे पास तो कोई भी अपना नहीं है, ना बहन ना भाई ना माँ ना बाप। ये घर भी तो दाजी का है। बच्चा ऐसा बात क्यों सोचता है? शहर की हवा लगी है ना, ऐसी बातें तो करेगी। अभी तो तुम्हारे साथ जुड़ के बैठी है ना मोरे, कल को पूछेगी कौन है, कहां से आए हो, पहचानेगी भी नहीं, देख लेना। अच्छा अगर शहर की हवा इतनी बुरी है तो तुम क्यों वहां दाखला लेने का सोच रहे हो? फिर तो वो किताबें और हवा तुमको भी मेरे जैसा बना देगी। नहीं, क्योंकि तुम्हारी तरह दिमाग खराब नहीं है, ढीठ बनने का इरादा नहीं है मेरा। अच्छा फिर क्या बनने का इरादा वो बता दो, तो मैं दाजी से जाके उसी चीज की इजाजत लूँ ना, क्योंकि ऐसे तो दाजी तुम्हारे जैसे को इजाजत नहीं देंगे, सिर्फ मुझे देंगे। तुम मेरे सर पे एहसान मत करो, दाजी से खुद इजाजत लूंगा। तुम जैसे को इजाजत देंगे, और पढ़ाई बढ़ाई कौन सा मुश्किल है, दरअफजाई के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। दरअफजाई के लिए कुछ मुश्किल नहीं, लेकिन तमीज सीखना मुश्किल है। ये देखो कैसे बोलते हैं। किसी को मेरे साथ ऐसे बोलते हो? ओए खुदाया, इसको चुप करा लो। अच्छा अच्छा अच्छा, बस क्यों लड़ाई करता तुम? अच्छा बच्चे तुम अंदर जाओ, मैंने तुम्हारे वास्ते सनोबर से कपड़े सिलवाए, जाकर देखो उसने ठीक भी सिया के नहीं। जाओ शाबाश। तुम देखो, इजाजत लेता हूँ। मोरे तुमको 100 बार कहा है सनोबर से कपड़े मत बनवाया करो, वो जादूगर नहीं है, इसका बाघस घुमाने में उसका हाथ है। ओ बच्चा कैसी अहमको वाली बात करता तू? मोरे आज तुमको मेरी बातें अहमको वाली लगती है, कल को तुम बोलोगी कि मैं ठीक कहता था, देख लेना। तुम हर कोई मुझे अहमक समझता है,
या मेरे खुदाया। हाँ, so we're done here. ले लीजिए। अरे ये कैसे हो गया? ओहो, थैंक यू डैड। अरे तुम क्या हुआ? वो सर्जरी करते हुए हो गया था। हमने डबल चेक किया था ना, सारे इंस्ट्रूमेंट्स डिसइंफेक्टेड थे। हाँ ठीक है, बचत हो गई है, बस कुछ पेशेंट्स अजीब तरीके से रिएक्ट करते हैं। आओ थैंक यू डैड। वो वहां अपनी मदर के पास जा रही है, मेरा भला वहां क्या काम, और इतना फ्री टाइम नहीं है मेरे पास। अरे उसके साथ चंद दिन गुजारो, आउटिंग करो, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो इन चीजों के लिए, यही उम्र है, बाद में लाइफ बहुत बिजी हो जाएगी। और आपको समझ में क्यों नहीं आता कि मुझे आयमा में कोई इंटरेस्ट नहीं? देखो हादी, मैं ये रिश्ता तय कर चुका और मैं हरगिज तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि तुम इनकार करो। आयमा के साथ मैं तुम्हारी टिकट करवा रहा हूँ, तुम जा रहे हो उसके साथ। मैं यहाँ पे आया था आपसे अपनी बातें करने, कुछ सीखने के लिए, और आप हर बात में आयमा को बीच में ले आते। मैं बता रहा हूं मैं फिलहाल कहीं नहीं जाऊंगा। आदि क्या हुआ, यहाँ क्यों फिर रहे हो? खैरियत है? आया तो खैरियत से ही था, लेकिन आप दोनों का रवैया देख के लगता नहीं कि खैरियत रह पाएगी। शहरयार ने कुछ कह दिया? उन्होंने क्या कहना, मैं आता हूँ उनसे पढ़ने लिखने की बातें करता हूँ और वो चाहते हैं कि मैं रोमांस सीख, मतलब हद होती है मामा। आदि आप प्लीज बाबा से बात करें, उनसे कहें कि मैं शादी और मंगनी के चक्रों में नहीं पड़ना चाहता। I want to secure my future, और कम से कम आप जैसे कैलिबर तक पहुंचना चाहते हैं। हम दोनों की शादी हाउस जॉब करते हुए हो गई थी, बाकी सब कुछ तो बाद में हुआ था। Actually, तुम लोग की पैदाइश और हसन जैसा neglected बच्चा भी तभी पैदा हुआ था ना। हादी I'm sorry. I really crossed my line. लेकिन मामा प्लीज बाबा से बात करें, उन्हें कहिए कि मैं अभी इस रिश्ते के लिए मेंटली तौर पे तैयार नहीं, तो मुझे फोर्स मत करें प्लीज। ताजी अब वो जब कह रहा है कि वो पढ़ना चाहता है तो आप क्यों नहीं मान रहे? बात मानने का नहीं है, उसको इसी तरह बैठे बैठे दूध की तरह उबाल चढ़ता रहते हैं। ऐसा नहीं है खान जी, अब उसको एहसास हो गया है, अब तो रातों को उठ के किताबें भी देखता है। ताजी अब जब वो कह रहा है कि वो पढ़ना चाहता है तो एक मौका तो देकर देखना चाहिए ना। बहुत मौके दिए मैंने उसको, तुमको याद नहीं? जालिम किताबें बकरियों को खिला देता था, भूल गई? अब नहीं खिलाएगा, अब वो पढ़ना चाहता है। अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा बात मान लेता हूँ, उसका दाखला करा देता हूँ, इम्तिहान का फीस दे देता हूँ, लेकिन उसको कहो कि इंसान का बच्चा बने तो वो कितना उधर ठकरे ना मारे, फतूरी बातें करता है सारा वक्त। परदाजी वो तो शहर के कॉलेज में दाखले का कह रहा था। क्या ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, शहर में उसका दिमाग खराब हो गया है? मैं समझ गया, वो पढ़ना मरना नहीं चाहता है, वो काम से भागना चाहता है, हड़ आराम है वो,
काम नहीं करना चाहता है। उसका कोर्स को इतना शौक है ना, तो प्राइवेट इम्तिहान दे दे, उसका कॉलेज मालेज का उम्र नहीं रहा। जा लड़की, वो मेरा वजू का पानी गर्म करो, शाबाश चल, नमाज का टाइम हो गया। पढ़ना चाहता है शहर जाएगा। तुमने भी उसको बेवजह का डील दे रखा, तुम्हारा लाड प्यार ने बिगाड़ा उसको, बस किताबें पढ़ेगा। बच्चे रुको, तुम्हारा रिजल्ट आ गया, तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो मैं भूल गई थी। क्या अपने लाला को बताना भूल गई? मोर बता रही थी तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर आए। जी अब मैं जाऊं? जाऊं क्या मतलब, इतनी बड़ी खबर, अपने लाला का मुंह मिटा नहीं कराऊंगी। एक कप अच्छी सी चाय बनाऊं, तरस गया हूं तुम्हारे हाथ की चाय पीने को। लाला वो सुबह मैंने जाना है, बहुत सारी तैयारी करनी है। आप भाभी को बोलो ना, वो बनाएगी, वो बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। मैं जाती हूँ। जस्ता से क्या कहा तुम? मैंने तो कुछ नहीं कहा। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ क्या कहा तुमने उसे, वरना तुम्हें अभी और इसी वक्त। मैं सच कह रही हूँ खान। झूठ बोल रही हो तुम, उसका अंदाज बता रहे कि तुमने उसे को घटिया बात की। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा, लेकिन तुम बाज नहीं आती। तुम्हारी कसम खान, मोहब्बत की कसम, कई दिन हो गए मेरी तो उससे बात तक नहीं हुई, मैंने कुछ नहीं कहा उसे। अपने दिल की झूठी कसम खा रही हूँ, दूर हो जाओ मुझसे। चाहो तो बुलवा कर पूछ लो उससे, उसकी जुबान पर तो एतबार आएगा ना। हजस्ता मेरी छोटी बहन है, सिर्फ बहन, उसके मुतल्लिक एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। सुना तुमने? अजस्ता, बच्चे जब तैयारी हो जाए तो बता देना, कल तो मैं खुद छोड़कर आऊंगा। मैं जी लाला। लाला मैंने काका को बोला जीप तैयार करे, इसको मैं छोड़ के आऊंगा। मुझे काम है शहर में। और बात सुनो, ये जो तुमने पढ़ाई का शोर डाला है ना, पहले थोड़ी किताबें देख लो। तुम्हारा एफए में दाखला भिजवा रहा हूँ, ये ना हो दाजी के सामने शर्मिंदा करवा दो। और ये जो तुम शहर के कॉलेज की बात कर रहे हो ना, अपनी उम्र देखो और शर्म कर, सब लड़कों के बाप लगोगे वहां, क्यों अपना तमाशा लगवाना। क्या हो गया लाला, मर्द कभी थोड़ा नहीं होता तमाशा लगाना। पर अमरोज कहता है मैं गलत सोचती हूँ, गलत होता क्या है ये अब मैं तुम्हें बताऊंगी अमरोज खान। जिसके साथ बाहर बैठे कह के लगा रहे थे, उसकी आवाज नहीं चुपती, या वो सब इस इलाके के रीत रिवाज है? ऐसे गुड़ो मत खान, शर्म करो,
छोटी है तुमसे, तुम्हारे छोटे भाई की मंगेतर है। चुप जा। अगर औरत पर हाथ उठाना मर्द की तोहीन ना होती तो आज इस बरसती बारिश में तुम्हारा जनाजा जा रहा होता। अगर जबान को लगाम नहीं दे सकती तो काट दो इसे। उठ जाओ बेटे, इट्स गेटिंग लेट। चलो शाबाश। आंटी बिल्कुल उठने का दिल नहीं कर रहा, बहुत थकावट हो रही है। दुबई का सफर इतना लंबा तो नहीं है कितनी थक जाओ। मैं तो समझी थी वहां जाओगी, एंजॉय करोगी, फ्रेश होकर आओगी। तुम तो और ही डल होकर आई हो। क्या खाक एंजॉय करती मैं, मामा अपने बिजनेस मीटिंग से मसरूफ थी और लाइबा अब सिर्फ अपने हस्बैंड के होके रह गई है, उसके पास छोटी बहन के लिए वक्त नहीं है। छोटी बहन ने तो चले जाना है, गुजारा तो उसने अपने हस्बैंड के साथ करना है। अबे तो तुम तो जानती हो उसका हस्बैंड छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाता है। पूछ रहे थे वो लोग हाथी का, बल्कि सभी पूछ रहे थे वहां पर। मैंने बहुत कहा था उसे कि चलो, लेकिन नहीं माना। आपको नहीं लगता आंटी कि आपको बहुत बदल गया? Look, sweetheart, the thing is, मामा किधर हैं आप? मामा कहाँ हैं आप? मामा मामा जरा तो 2 मिनट आइएगा, मुझे काम है आपसे। चली जाए आंटी, बुला रहे हैं आपको। क्या हो गया है आपको? इतनी देर से बुला रहा हूँ, मुझे यार इतना प्रॉब्लम। ये देखें आज हाउस जॉब का पहला दिन है और मेरे पास कुछ है नहीं पहनने के लिए। कहा था ना आयमा के साथ चले जाओ शॉपिंग करके ले आओ, लेकिन नहीं। यार पूरा पाकिस्तान बाहर तो नहीं जाता ना शॉपिंग करने के लिए, और आपको कुछ लाना चाहिए था मेरे लिए। क्यों, मुझे क्यों लाना चाहिए था? हसन अपनी शॉपिंग खुद करता है, तुम्हारे डैड भी अपनी शॉपिंग खुद ही करते हैं, और तुम अब बड़े हो चुके हो। लर्न हाउ टू बाई थिंग्स योरसेल्फ। नेक्स्ट टाइम आई विल बाई थिंग्स माई सेल्फ, लेकिन आज मेरा बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और आपको मुझे हेल्प करना प्लीज। आए मुझे बताएं यार क्या पहनना है। दिखाओ, ये तो दिखाओ मुझे। देखें अब देखिए, बताएं मुझे। हर चीज इतनी आसानी से डिसाइड करते हो हादी, कपड़े डिसाइड नहीं हो रहे तुमसे। मामा आज नहीं हो पा रहा डिसाइड, आप प्लीज हेल्प कर देना मेरी। राइट फाइन, लेट्स सी व्हाट यू हैव गॉट। ये लो, जो पता था अब तुम्हारे पास कुछ ढंग का नहीं होगा तो अपनी शॉपिंग के साथ तुम्हारी भी कर ली। चलो कपड़े हैं ना, गेट रेडी, हमें हॉस्पिटल भी पहुंचना है, देर हो रही है, डोंट बी लेट, कम ऑन। बंदा थैंक यू ही बोल देता।
थैंक यू। आ जाओ। मैं जा रही हूँ, अब जल्दी जल्दी नहीं आऊंगी, मेरा पढ़ाई में आराज होता है। मुझको जता रही हो, हाँ भरम दिखा रही हो, क्योंकि मैं पढ़ने के लिए शहर नहीं आ सकता, इसलिए जता नहीं रही, सिर्फ बता रही हूँ। और एक और बात भी बता दूं, ये बहराम और दोस्तों के साथ ना फजूल फजूल में उलझना छोड़ दो। तुम्हारा दाखला चला गया, अब अगर अच्छे नंबर आए तो मैं खुद तुम्हारा दाखला कराऊंगी यूनिवर्सिटी में। तुम कराओगी? मुझे औरतों का एहसान नहीं चाहिए, अपने लिए जो करना होगा मैं खुद करूंगा, छोड़ो तुम। कर की औरतों का एहसान नहीं होता, सिर्फ ख्याल होता। ख्याल ही कर रही हूँ तुम्हारा। वो बड़ा ख्याल कर रही हूँ तुम मेरा, जानता हूं अच्छी तरह कि तुमको मेरा कितना ख्याल है। बड़ी बातें बनानी आती है। और ये बाल देखो दिखाई दे रहे हैं, ये डक के जाया करो घर से जब निकलती हो, मुसलमान औरत हो। चलो। मुझे लगा तुम कहोगे कि बुर्का पहन कर जाओ। अगर मेरा बस चले तो तुमको बुर्का पहनाऊं। चलो ये भी अच्छा है, तुमने माना तो सही कि तुम्हारा मुझ पे बस नहीं चलता। जा रही हूँ। वही मामूली बात नहीं है, इस बच्ची ने पहले ही साल में तीनों सब्जेक्ट्स में डिस्टिंक्शन ली, मतलब तीन गोल्ड मेडल्स। I'm surprised। Obviously ज़हीन बच्ची है, लेकिन मैंने तो कुछ और सुना है कि आखिरी एग्जाम में कोई चीटिंग वगैरह भी हुई है। What? तुमने कहाँ से सुन लिया? मतलब हादीब, मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे लगा था शायद तुम्हें ज्यादा पता होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर के बारे में तुम्हें ज्यादा नॉलेज है ना। वो एक गलतफहमी थी बेटा। एनीवे, तुम बताओ तुम्हारा दुबई का ट्रिप कैसा था? अब तो तुम लोगों ने फाइनल ईयर भी क्लियर कर लिया, क्या प्लान्स हैं आगे? आदि क्या सोचा है तुमने? बाबा बताया तो था आपको। मैंने आयमा के ग्रुप को तुम्हारे ग्रुप में शामिल कर दिया है, इसे भी अपने साथ ले जाओ। चलो चलो। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सॉरी। वैसे बाजी, ये कॉलेज वाले बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, सारे मेडल उठा के एक बच्ची को ही दे दिए। आप उनसे कहें ना कि एक मेडल हमारे हसन बाबा को भी दें,
आप उन्हें बताएं कि हमारा बच्चा कितना लायक है। हर चीज में मत बोला करो। चाय ठंडी हो गई थी, जाओ लेकर आओ। जी। सेकेंड डे स्टार्ट हो गया। सीरियस और केयरफुल, कहीं इसकी कहीं भी बात सच ना हो जाए कि हमें तुम्हारे लिए मिन्नतें करनी पड़े। बात समझ में आई? दरगज़ई को चाहिए था कि मुझे उसी दिन बताता गुलकाका का हिम्मत भी कैसे हुआ कि एक पिनर टीला छोड़ दे। मैं उसका जान ना ले लेता। वो तुम हमारे सामने ज्यादा फिल्म मत चलाओ। सब मालूम है हमको। तुमने उसको बोला होगा नट डीला रखो ताकि दरगज़ई की गाड़ी खाई में जा गिरे और ये मर जाए। लेकिन एक बात याद रखना, दरगज़ई अपने हर दुश्मन को मार के मरेगा। बड़ा कैसी बातें करता तुम दरगज़ई, पुराना रकाबत अपनी जगह पर। लेकिन बैराम खान इतना बेगैरत नहीं कि मुसाफिर की मौत का बंदोबस्त करे। वो तो अल्लाह का मर्जी है कि जिसको जिंदा रखना चाहे। मछली के पेट से भी हजरत यूनुस को उसने बाहर निकाल दिया था। तुम बताओ अब क्या चाहते हो, क्या बात करना है? देखो सैफ खान, तुम्हारा हमारा दरमियान बरसों से खालिश चलता है। हालांकि एक ही खानदान है और अभी मैं इस खालिश को पार करना चाहता है। तमाम लड़ाई झगड़ा खत्म करना चाहता है। लड़ाई तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब गुलरेज मामा ने घुटने टेक कर अपनी लड़की पेश की थी। रिवायत में खून का बदला खून है अमरोज खाना, औरत नहीं। और मैं रिवायत का फैसला लेकर आया। तो फिर तू अकेला क्यों आया है? गुलरेज को साथ क्यों नहीं लाया? बेफिक्र रहो मोड़ा, खून का बदला खून ही होगा। लेकिन उसका जो लड़की लिया है, अभी उसका फैसला करो। वैसा क्या हमने गलत बोल दिया? अगर शानजे को छोड़ नहीं सकता है तो औरत का बदला औरत। हजस तक का रिश्ता दो हमें। इसका मुंह बंद करो। इस वक्त बेहतर यही होगा कि अगर तुम अपना जिंदगी चाहते हैं तो यहां से चला जा। जाओ। तो इसका मतलब है कि सैफ खानदान हमारा रिवायत का मुनकर है। लेकिन तुम सब याद रखो कि बैराम खान रिवायत पर फैसला करेगा। चलो फिर आएगा। दाशी दोबारा इसने हमारी औरत का नाम लिया। आपको भी बता रहा हूं, मैं इसको गोली मारूंगा। तुम बेहोश के नाखून लो, हर बात पे बंदूक निकाल लेते हैं। दाजी बस कहने कहने जी कहने जी। तुमने आज भी मेरी दी हुई शर्ट नहीं पहनी है, या फिर वो मैंने दी थी इसीलिए तुम्हें पसंद नहीं है? Come on, I am. कभी पहले ऐसा हुआ है कि तुम्हारी लाई हुई चीज नहीं पहनी हो मैंने? कल के हाथी में और आज के हाथी में बहुत फर्क है, और वक्त के साथ साथ वो फर्क ज्यादा नुमाया हो रहा है। अरे बाबा, वो किसी बैंड के साथ जा नहीं रही थी, मैच नहीं हो रही थी, इसलिए नहीं पहनी। शाम को जाऊंगा मॉल, ले लूंगा कोई बैंड जो मैच हो रही है उसके साथ। तो वो इतनी ज्यादा भी अनमैच नहीं थी हादी कि तुम उसको इग्नोर करके एक कॉर्नर पे रख दो।
मैं तुम्हारी सिर्फ कजिन नहीं हूँ, तुम्हारी क्लास फेलो भी हूँ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी हूँ मैं। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझसे कोई बात छुपाओगे। आयमा तुम्हें वहम हो रहा, मैं अभी तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। काश कि ये कोई वहम होता मेरा, लेकिन मैं जब भी तुम्हारी शक्ल देखती हूँ तो मुझे तुम्हारे चेहरे पर किसी और का अक्स दिखाई देता है। आयमा कभी कभी तुम्हारी बातें ना बहुत अजीब सी लगती हैं, कोफ्त आती हूँ उनसे। बेया मुबारक हो। खैर मुबारक है, एक्सक्यूज मी, ये रूखी फीकी खैर मुबारक से ना काम नहीं चलने वाला। पूरी क्लास में तुमने टॉप किया है, दो दिन से मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। कोई ट्वीट ट्वीट का सीन नहीं है? पूछो ही मत बेया, जब भी मैं ये सोचती हूँ कि फिजियो के पेपर में मेरे साथ हुआ क्या था, मेरे तो आंसू ही नहीं रुकते। अगर इतने आंसुओं से मेडल मिलते हैं ना तो मैं तो अपनी आंखें समंदर में ही बहा दूं। आंखें समंदर में? नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम आंखें समंदर में बहा दो और कॉलेज वाले तुम्हें ये बोल के निकाल दे कि तुम अंधी है। या अल्लाह मैं तुम्हारा क्या करूं पागल। चलो ट्रीट दो। नहीं, हो गया। ट्रीट ये मेरा काम रह गया। काम होता रहेगा, पहले ट्रीट। चलो भैया। हाँ बस ये देखो तुम्हारा बैग मैंने उठा लिया, अब चलो ट्रीट दो। मैं तुमसे पूछ सकती हूँ हादी की, तुम्हें वो लड़की वाकई बहुत पसंद है? अगर मेरा जवाब हाँ हो तो? तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन एटलीस्ट तुम मेरे सामने एक्सेप्ट तो करो। रियली? मैं तो एक धुएंधार सा जवाब एक्सपेक्ट कर रहा था, इसमें मजा नहीं आया। कुछ चार पांच पंच मारो मेरे बाजू पे, बाल नोचो मेरे, ये काम करो, ये स्टेरिंग ही घुमा दो। I'm sorry भैया, अचानक से लोग कहां से आ गए? हम अचानक से नहीं आए, आपने एकदम से डायरेक्शन बदल दी। देखिए आई एम रियली वेरी सॉरी, आपका पैर मुड़ गया है, इसको एक्सेल करके चेक कराना पड़। तुम देखकर क्यों नहीं चलाते हो? सामने कौन जा रहा है देखकर तो करो। इसका पांव मुड़ गया है बिचारे का। आप... चलो मैं बैंडेज कर देती हूं। मैं उठ जाऊंगी रहने दो। आप... नहीं नहीं चले आए, चलो आ जाओ आ जाओ चले आ जाओ अल्लाह। आई एम सॉरी, और एक पता नहीं कहां रखकर चलता है। एक्सरे करना पड़ेगा फ्रैक्चर के लिए। मैं कर दूंगी, डोंट वरी। हिम्मत करो हिम्मत करो। अब आई मैं पाकर के आ रहा हूं। आ जाओ आओ यहाँ पे बैठो आराम से। मैं ठीक हूँ सही है। आओ आओ आओ, कुछ नहीं होता, इधर बैठो बैठो। सिद्रा जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। मैंने मार्क्स का सुना था, बहुत खुशी हुई थी मुझे, उसी की नजर लग गई। आप मैं करती हूँ। मैं ठीक है, मैं कर लूंगी। ओह दर्द हो रहा है, मैं अभी आइंटमेंट लगाऊंगी तो ठीक हो जाए। आपको तो मालूम होगा कि हमारा एनुअल डिनर आने वाला नेक्स्ट मंथ। मैंने कहा था हादी से कि क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए, आपको एक सरप्राइज दिया जाए। आखिर पहली दफा हमारी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर की लड़की ने इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया, यू डिजर्व इट। नहीं कोई इतना खास बात नहीं है ये। हादी ने भी मुझे यही कहा, बहुत बोरिंग है हादी। मैंने जब उससे बोला तो उसने भी यही बोला था कि क्या जरूरत है सेलिब्रेट करने की। तुम जानती हो
मेरी छोटी छोटी खुशियां सेलिब्रेट करता है, लेकिन और किसी की कभी नहीं। मामा का फोन क्यों आ गया अभी? आप सुन लो, ये मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। मैं दो मिनट में, तुम इसकी पट्टी कर देना। झूले मेरे दिल की जमीन इस दिल।